नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रिलायंस के स्टॉक के बारे में। शेयर का प्राइस कंटिन्यू टूटता हुआ दिख रहा है, गिरता जा रहा है। कितना गिरेगा, क्या करें निवेशक? जिन लोगों ने डीमर्जर से पहले की तेजी में पैसा लगा दिया ऑलमोस्ट अभी तक नुकसान में बैठे हैं। 20 जुलाई 2030 को डीमर्जर की एक्स डेट थी, जिसके बाद से अभी तक बाजार तो ऊपर गया है, स्मॉल कैप ऊपर गया है, लार्ज कैप स्मॉल मिड कैप ऊपर गया है, लार्ज कैप इंडेक्स ऊपर गया है, लेकिन रिलायंस का शेयर ऊपर नहीं गया। निफ्टी लाइफ हाई पे आ गया है बट रिलायंस का शेयर ऊपर नहीं गया। अब ऐसे में क्या करें? कुछ निवेशक इस गिरते हुए स्टॉक के बारे में ये भी बोल रहे हैं कि भाई सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया है, 6,700 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी। कितना गिर सकता है ये शेयर और क्या करना चाहिए आपको, ए टू जेड चीजें इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डीमर्जर हुआ था 20 जुलाई 2023 को, एक्स डेट थी, जहां पे रिलायंस ने जियो फाइनेंस का बिजनेस अलग कर दिया। इक्विटी जियो फाइनेंस की 6.1% की थी जो अलग हो गई। उस स्टॉक का भाव रिलायंस का 2740 था, डीमर्जर के बाद गिरा और 260-261 रुपए जियो फाइनेंस का शेयर हुआ। अभी दोनों के स्टॉक के प्राइस को प्लस करोगे आप, रिलायंस और जियो फाइनेंस, तो ऑन एन एवरेज आपको 60 रुपए प्रति शेयर लॉस ही हो रहा होगा। अगर आपने 20 जुलाई से पहले डीमर्जर से पहले खरीदा है तो ऑन एन एवरेज आपको 60 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा होगा, ठीक है जी। यानी कि आप राउंड फिगर में 3% का ले सकते हो, इसे चाहो तो 3-2.5% के करीब होगा। 2.5% का आपको बीते 1.5 महीने में रिलायंस ने नुकसान दिया है। बाकी अगर आप थोड़ा बड़ा चार्ट कर लेंगे तो लगभग 6 महीने पीछे स्टॉक का भाव 2200 रुपए का था, जिसके हिसाब से अभी 2436 है, यानी कि 200 रुपए, 225 यहाँ बन रहे हैं, 200 रुपए ऑन, यानी 450 रुपए ऊपर है, यानी 20% ऊपर है। बट ये जो गिरावट हो रही है, क्यों गिर रहा है शेयर, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इसका कोई रीजन नहीं है। रिलायंस की बात किया तो बहुत लंबे समय से ये इसी रेंज में अटक गया है। बीते 2 साल का चार्ट देखूंगा तो नीचे में 2400 और मैक्सिमम 2200, ऊपर में 2600 और मैक्सिमम 2800, ये स्टॉक के लेवल से वापस घूम जाता है। इस स्टॉक ने इस बार भी यही दिखाया, एग्जैक्टली 2850 के हाई लगा के करंट तुरंत नीचे आ गया, 2436 पे आगे खड़ा हो गया ये शेयर। अब यहाँ पहले दो चीजें मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा जो खबरें चल रही हैं इस समय। पहली, विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ गया है। तो विंडफॉल गेन टैक्स अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर 15 दिन में गवर्नमेंट रिव्यू करती है, 15 तारीख को, फिर 30 तारीख को, ये तो फिर 30 तारीख को रिव्यू हो जाएगा, लेकिन ये बदलेगा नहीं। क्यों? इस बार 6,700 से जो 10,000 के करीब कर दिया है विंडफॉल गेन टैक्स, ये डेफिनेटली बड़ा अमाउंट बढ़ाया है। थोड़ा बहुत बढ़ाती तो ठीक था, लेकिन अगर ये जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है रिलायंस के लिए। क्यों? कच्चा तेल तो देख लो, कच्चा तेल $94 हो गया है, $94 पे, समझ रहे हो, 70 से 94, $24 कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, किसे फायदा होगा? विंडफॉल गेन टैक्स तो अभी बढ़ा 2 दिन पहले 15 तारीख के बाद, उससे पहले का कच्चा तेल तो $90 पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं Q2 के नंबर रिलायंस के देखने वाले होंगे, देख लेना आप, तंगड़े आ सकते हैं, केवल रिलायंस के नहीं OIL और ONGC के भी, क्योंकि ये जो कच्चे तेल का भाव है ना, ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। और इस बीच में अगर ये विंडफॉल गेन टैक्स इस 15 दिन के रिव्यू के बाद या तो थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है ना, बड़ी तंगड़ी तेजी बन सकती है। ये स्टॉक आपको शॉर्ट में बोलूं तो मौका दे रहा है, किस चीज के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, इन्वेस्ट की बात कर रहा हूं। 2430, 2400, 2360, 2320, ये चार भाव ऐसे हैं जिनमें खरीदना है बस। कहां तक खरीदना है? 2320 रुपए तक, यानी 116 रुपए नीचे तक तो खरीदना है, ऐसा मेरे को लगता है। और चार्ट पैटर्न देख लो, या फिर 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, या फिर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ लूं कि आप बेच क्यों रहे हो, या फिर क्यों नहीं खरीदना है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं खरीदना है का तो जवाब ये हो सकता है, भैया फंड नहीं है, मेरे को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, वो अपने आप जेन्युइन है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं आपके पास है और आप बेच रहे हो, तो क्या रीजन है फिर? आप अगर मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है या मेरे को फंड की जरूरत है, तो ये आंसर तो देखो कहीं भी लीगल मतलब जायज है, ये तो कहीं भी लग जाएगा। बट एक्चुअली में रिलायंस आपके पैसे को फंसा के नहीं रखा, पैसा बनाएगा। ये इस कंपनी की बात करूं तो सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अभी 16.5 लाख करोड़ का है। इस कंपनी में इस भाव पे पैसा लगाओगे तो आप पैसा बनाओगे। किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट उठा के देखो, 3,000 रुपए के लक्ष्य दिखेंगे आपको, 3,000, 2800, 2900 ऐसे लक्ष्य हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है इस समय, 20% से करीब की इसकी प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो क्लियरली दिख रही है आपको बैलेंस शीट में। कंपनी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है।
रिटेल बिजनेस मोटा पैसा बना रहा है और आगे चलकर रिटेल बिजनेस भी डीमर्ज हो सकता है जो अपने आप में वैल्यू अनलॉकिंग करेगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लोग जियो फाइनेंस के स्टॉक को ये सोच रहे हैं कि ये तो टूट गया, ये खराब हो गया, ये भी पैसा बनाएगा, सिर्फ आपको समय देना है। रिलायंस ऐसा शेयर है, पूरा बाजार गिर रहा होगा ना तो अकेले ऊपर जा सकता है और अपने दम पर निफ्टी को बचा लेगा, गिरने नहीं देगा। तो यहाँ पैसा बना के रखना है, छोड़ना नहीं है, ये मेरा व्यू है। बाकी आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।